हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, अभी विंटर के दिन लगभग पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं और ये सही समय है हमारे पोटोला का प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं मेरा ये पोटोला का प्लांट पिछले साल का है, तो आज मैं इसे रिपोर्ट करूंगी। अब फरवरी, मार्च और अप्रैल में कभी भी इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं और ये काम आपको साल में एक बार जरूर ही करना होता है इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल और नई नई ब्रांच पाने के लिए। अब तक विंटर में डोरमेंसी की वजह से हमारे पोटोलाका की ग्रोथ भी काफ़ी रुक गई थी, तो अब हमें इसे ऐसे ही नहीं छोड़ना है। कुछ छोटे छोटे ज़रूरी काम होते हैं जो हमें अभी इसमें करने पड़ते हैं। इस टाइम पर आप भी अपने पुराने पोटोलाका प्लांट में देखेंगे कि जैसे ही विंटर ख़त्म होता है उसमें से इस तरीके से नई नई ब्रांच और पत्तियां बनने लगती है। तो पूरी गर्मी के दिनों में ढेरों सारे फूल पाने के लिए चलिए इसमें ज़रूरी कुछ काम कर लेते हैं। आजकल बहुत सारे गार्डनर पोटोलाका को अलग अलग शेप और डिजाइन में तैयार करते हैं, तो अगर आप भी ऐसा कुछ आइडिया लगाकर किसी भी शेप में इसे बनाना चाहते हो तो अभी से ही इसकी कटिंग लगाकर बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि मार्च और अप्रैल आते आते इसके ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट हो सके। अगर आप चाहें तो इस पुराने प्लांट को इसी पॉट में ऐसे ही छोड़ देंगे तो भी चलेगा, पर आपको इसमें से ये जो ब्रांच आपको गली हुई दिख रही है, सरी हुई दिख रही है, ऐसी पत्तियां, कचरा कुछ भी हो उसे हटा लेना है और पॉट को अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो देखिए, आप देख सकते हैं मैंने इतना कचरा निकाल लिया है और अब हमारा पॉट क्लीन हो चुका है। इतना करने के बाद अब हमें मिट्टी की भी हल्की हल्की सी गुड़ाई कर लेनी है। देखिए, इसमें गुड़ाई करने के लिए ज़्यादा जगह तो नहीं है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अब गुड़ाई करने के बाद आपको इसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद 1 से 2 मुट्ठी जितना दे देना है और साथ ही इसमें 10 से 12 दाने जितने डीएपी के दे देना है, ताकि इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो और उसको सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स भी मिल सके। और हमेशा की तरह फर्टिलाइज़र देने के बाद आपको इसमें पानी दे देना है। और ये जो इस तरीके से ब्रांच आपको लटकती हुई दिख रही है, इसकी भी आपको अच्छे से प्रूनिंग कर देना है और प्रूनिंग करने के बाद जितनी भी कटिंग निकलती है उस कटिंग को आप चाहे तो नए पॉट में लगा सकते हैं, नहीं तो इसी पॉट में साथ के साथ ही लगा देनी है। तो आज मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं इसकी मिट्टी को हटाकर वापस इसे इसी पॉट में नई मिट्टी के साथ रिपोर्ट करूंगी। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपने प्लांट को इस पॉट से बाहर निकाल लेना है। चलिए, मैं प्लांट को पॉट में से बाहर निकाल लेती हूँ। इसके लिए आप किसी भी टूल्स की मदद ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने प्लांट को पॉट में से बाहर निकाल लिया है और इसके लिए मैंने नई मिट्टी भी तैयार कर ली है। अब इस नई मिट्टी में प्लांट को लगाने के बाद हमारे प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ी से हो जाएगी और उसमें फ्लावरिंग भी बहुत जल्दी से स्टार्ट हो जाएगी। मिट्टी में मैंने एक हिस्सा नॉर्मल सॉइल, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट का मिलाया है। अगर आप वर्मी कंपोस्ट की जगह गोबर की खाद यूज़ करते हो तो आपको उसका एक हिस्सा मिलाना है, लेकिन ध्यान रखें गोबर की खाद पूरी तरीके से सरी हुई और पुरानी होनी चाहिए। इसमें हमने पहले से ही खाद की मात्रा अच्छे से मिला दी है, इसलिए ये पूरे साल धीरे धीरे करके प्लांट को न्यूट्रिएंट्स देता रहेगा और हमें इसमें बार बार खाद देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, अब इस प्लांट को लगाने के लिए मैं एक बास्केट ले लेती हूँ। ज़्यादातर मैं अपने सभी पोटोलाका प्लांट को लगाने के लिए इसी तरीके की बास्केट का इस्तेमाल कर लेती हूँ। पोटोलाका प्लांट को लगाने के लिए आप ऐसा पॉट पसंद करें जिसमें इसकी गहराई कम हो और ऊपर से इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो, क्योंकि ये प्लांट जितना फैलेगा उतना ही इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएंगी। आप कोई भी पॉट यूज़ करें उसमें एक से ज़्यादा छेद जरूर बनाए, ताकि एक्स्ट्रा पानी वहाँ से निकल जाए, क्योंकि इस प्लांट को ज़्यादा देर तक पानी पॉट में रुका रहे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
कई बार मिट्टी की वजह से ये छेद पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं। इसलिए आपको सूखे हुए पत्ते, नारियल के छिलके या पत्थर को इस तरीके से रख देना है। अब हमें पॉट में ऊपर से 1-2 इंच जितनी जगह को छोड़कर पॉट को हमारे तैयार की हुई मिट्टी से भर लेना है। प्लांट को पॉट में से निकालने के बाद आप इनकी जड़ों को देख ही सकते हैं। देखिए कितनी लंबी लंबी जड़ें हैं, तो हमें इनकी जड़ों को भी हल्की हल्की सी प्रूनिंग कर देनी है। पुरानी जड़ों को प्रूनिंग करने से इसमें नई नई जड़ें बनेंगी और इसमें जो नई जड़ें बनेंगी उसे हम जो प्लांट को खाद देंगे उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलता रहेगा उसकी वजह से हमारे प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ी से होगी। तो इसी तरीके से हमें सभी कटिंग को तैयार कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, हमें इतनी बड़ी कटिंग को नहीं लगानी है, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। आप पोर्टुलाका की एक ही कटिंग से बहुत सारी कटिंग बना सकते हैं। इसकी छोटी छोटी कटिंग भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। तो आप जितनी भी कटिंग ले, छोटी छोटी और ज़्यादा लगाएंगी तो उतना ही प्लांट घना बनेगा। पर एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, कटिंग लगाने के टाइम पर कटिंग में जो हिस्सा नीचे की तरफ है वो नीचे और जो हिस्सा ऊपर की तरफ है वो ऊपर की तरफ ही रहे। इस तरीके से आपको कटिंग लगा देनी है। तो चलिए इस तरीके से मैं अपने पूरे पॉट में कटिंग को लगाकर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने एक ही पॉट में बहुत सारी कटिंग लगा दी है और अभी भी मेरे पास कुछ कटिंग बच गई है। देखिए तो इसे मैं बाद में किसी और पॉट में लगा दूँगी। तो चलिए अब इसमें पानी दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, इतनी सारी कटिंग एक साथ लगाने से इस पर बहुत सारे फूल और कलियाँ भी एक साथ ही आएंगी। तो ध्यान रखें, आपको कटिंग हमेशा छोटी छोटी ही लगानी है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी कटिंग नहीं लगानी है। और कटिंग लगाने के बाद जब हमारी कटिंग 15-20 दिनों में अच्छे से ग्रो हो जाएगी तब इसमें हमें और एक काम करना पड़ेगा, वो है इसकी पिंचिंग। यानी कि जब हमारी कटिंग 4-5 इंच के करीब हो जाएगी तब हमें इसे ऊपर से थोड़ा सा पिंच कर देना है तो और ब्रांच बनेगी। तो इस तरीके से हमारे पॉट में ढेरों सारी कलियाँ और फूल एक साथ खिलेंगे। अब इस पॉट को 3-4 दिनों के लिए हमें सेमी सेट में ही रखना है। अगर आप ये काम फरवरी या मार्च के महीने में कर रहे हो तो पॉट को रिपोर्ट करने के बाद डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। पर अगर आप ये काम तेज गर्मी के दिनों में कर रहे हैं तो पॉट को 3-4 दिनों के लिए इनडायरेक्ट सनलाइट में ही रखें। इसके बाद आप पॉट को फुल सनलाइट वाली जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं। अब आपको इसमें 15-20 दिनों तक कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। 15-20 दिनों के बाद आपको इसमें मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र या यूज़ की हुई चाय पत्ती का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर देना है। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ प्लांट से रिलेटेड वीडियो बनाती रहती हूँ। तो फिर किसी और दिन मिलते हैं किसी और नए वीडियो के टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।